शिमला जिला के रामपुर के आसपास के इलाकों में कर्फ्यू और लॉकडाउन में बरती जा रही सख्ती का असर अब देखने को मिल रहा है। रामपुर उपमंडल क्षेत्र में देश विदेश से आए 362 लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए होम क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें से 250 के लगभग ने क्वारंटाइन की अवधि भी पूरी कर ली है। इनमें किसी प्रकार के कोरोना कोविड-19 से जुड़े लक्षण नहीं पाए गए हैं। अब केवल 113 लोग शेष क्वारंटाइन में बचे हैं। इनकी भी क्वारंटाइन अवधि जल्द पूरी होने जा रही है। इसमें अधिकतर नेपाली मूल के लोग हैं, जिनका क्वारंटाइन अवधि लगभग 28 दिन का किया गया है। लोगों ने भी सरकार द्वारा उठाए जा रहे लॉकडाउन और कर्फ्यू के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि लोगों ने भी इसका भरपूर पालन किया है। लोगों का कहना है कि इससे और बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। SDM रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि लॉकडाउन और कर्फ्यू को कड़ाई से लागू किया गया है। रामपुर में 362 लोग होम क्वारंटाइन में थे, जिनमें से अब मात्र 113 शेष बचे हैं। ऐसे में क्षेत्र के लिए सुगत पहलू है कि कोरोना का कोई भी मरीज अब तक सामने नहीं आया है। हमारे रामपुर सब डिवीजन में लगभग 362 के आसपास की लिस्ट थी, जिनको होम क्वारंटाइन किया गया था। इनमें से 249 लोगों ने होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर ली है और उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम नहीं पाया गया है। तो इस लिस्ट में से अभी हमारा शेष 113 लोग बचते हैं, जिनकी होम क्वारंटाइन की अवधि अभी पूरी होने को है। आगामी वो 6-7 दिन या 10 दिनों की अवधि वो पूरी कर लेंगे। जो 113 लोग बचे हैं, इनमें 70% लोग जो है नेपाली मूल के हैं, देश से बाहर के लोग हैं। इनका जो क्वारंटाइन अवधि है वो भी लंबी होती है, 28 दिन की होती है, इसलिए इनका जो है क्वारंटाइन पीरियड अभी पूरा होने को है। हमारे लिए खुशी की बात है कि जिन्होंने क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है, उनमें किसी भी प्रकार का सिम्टम्स नहीं पाया गया है। तो आगे भी उम्मीद रहेगी कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा वायरस वाला कोई भी केस ना आए, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। और आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि आप जो घर में रहें, बाहर कम निकलें, डिस्टेंस बनाए रखें। बहुत ही जरूरी चीज कोई हो तभी आप घर से बाहर निकलें। धन्यवाद। स्थानीय निवासी श्यामलाल गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन का जो समय चल रहा है काफी गंभीर समय है। प्रदेश ने अच्छे तरीके से इसे निभाया है। रामपुर में भी इसे गंभीरता से लागू किया गया है। रामपुर की हालत काफी संतोषजनक है। उन्होंने सभी संस्थाओं से मांग की है कि वे इस दिशा में और संजीदगी बरतें। लॉकडाउन का जो ये समय चल रहा है, स्थिति बड़ी गंभीर थी, इसे प्रदेश ने भी बड़े अच्छे ढंग से इसको सुलझाया है। और जहाँ तक बात रामपुर की है, रामपुर में भी अभी तक ऐसा कोई मामला पॉजिटिव नहीं पाया गया। और इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को साथ देना चाहिए, जितने भी यहाँ की स्वयंसेवी संस्था है सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और जो कोई ऐसे कोई असहाय लोग हैं उनको भोजन की व्यवस्था करें, और कर भी रहे हैं। और प्रशासन भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है और सरकार भी इसमें जुटी हुई है। और जहाँ तक बात पुलिस की है, पुलिस भी इसमें काफ़ी सहयोग दे रही है। वहीं जिला परिषद सदस्य दिलीप कायत ने बताया कि जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर कोरोना का कहर बरपा है, उससे निपटने के लिए रामपुर प्रशासन काफी हद तक अच्छा काम कर रहा है। पुलिस भी मुस्तैद है। इसके अलावा लोगों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसे आगे भी अपनाया जाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बाहर से आवश्यक वस्तुओं को लेकर आने वाली गाड़ियों को सैनिटाइज किया जाए। ये जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर कोरोना का जो कहर बढ़ता है, इससे निपटने के लिए हमारा रामपुर प्रशासन जो है काफ़ी हद तक अच्छा कार्य कर रहा है। पुलिस विभाग बड़े अच्छे तरीके से मुस्तैद है, लेकिन कुछ एक जो सुझाव हमने अभी DSP साहब के साथ भी शेयर किए हैं और SDM रामपुर के साथ भी शेयर किए हैं, उन्होंने तुरंत इस पे अमल लाने का प्रयास करने का कोशिश की बात की है। जैसे कि अभी जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही है, बाहर से गाड़ियाँ आई है उनको सैनिटाइज करना प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा कार्य, जो भी चाहे राशन के साथ आ रही है, चाहे दूध की सप्लाई लेके आ रही है, चाहे सब्जी की सप्लाई लेके आ रही है, चाहे कोई और प्राइवेट गाड़ी आ रही है, उनको जो है यहाँ पे सैनिटाइज करना। और दूसरा है कि शहर में रश कम करने के लिए, इसको टोटल लॉकडाउन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमने ये सुझाव दिया कि भाई जो गांव स्तर पर वार्ड स्तर पे वार्ड के जो मेंबर हैं उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये इंश्योर करें कि वो वहाँ पे मेडिकल की किसको प्रॉब्लम है उनके वार्ड के अंदर, ये पंच